हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जितने भी लोगों के पास आज ग्रैंड वार्डन है ना, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखना क्योंकि ग्रैंड वार्डन के लिए आ चुका है नया हीरो इक्विपमेंट फायरबॉल। तो आज हम लोग टाउन हॉल 11 से लेके, क्योंकि 11 पे ये अनलॉक होता है ग्रैंड वार्डन, तो टाउन हॉल 11 से लेके 16 तक फायरबॉल की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और फायरबॉल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं हर टाउन हॉल के लिए, ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबाना। तो यहाँ पे देखो, लेवल 1 से लेके लेवल 27 के मैंने सारे स्टैट्स दिखा के रखे, जहां पे आप लोग डैमेज कैलकुलेट करके इजीली ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स आप लोगों को मिल सकती है। तो टाउन हॉल जो 11 है, टाउन हॉल 11 के ऊपर मैक्सिमम आप लोग लेवल 15 तक का फायरबॉल अपग्रेड कर सकते हो। लेवल 16 टाउन हॉल 11 पे नहीं कर पाओगे। लेवल 16 अगर आपको करना है तो टाउन हॉल और ब्लैकस्मिथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाउन हॉल 11 के ऊपर आप लोग मैक्सिमम लेवल 15 कर पाओगे, जिसका डैमेज रहेगा गाइज 3100। वो जो बॉल फेंक के मारेगा उसका 3100 डैमेज रहेगा। और ये जो लेवल 15 का है, ये सिर्फ 5 टाइल्स के अंदर डैमेज करेगा। उससे बेहतर यार आप लोग वेट करो लेवल 18 तक का, क्योंकि लेवल 18 से लेके आगे सारे के सारे लेवल्स में 6 टाइल्स का डैमेज करेगा। टाउन हॉल 12 और 13 पे अगर आप लोग रहोगे तो मैक्सिमम आप लोग लेवल 18 तक ही अपग्रेड कर पाओगे फायरबॉल को। और 14 पे आने के बाद लेवल 21, फिर 15 पे, फिर 3 लेवल बढ़ा दो 24 तक। फिर जब आप लोग टाउन हॉल 16 पे आ जाओगे तो मैक्सिमम आप लोग 27 लेवल तक अपग्रेड कर पाओगे फायरबॉल को। तो मेरा सजेशन सबसे पहले तो यही आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों के पास उस पर्टिकुलर टाउन हॉल के लिए मैक्स लेवल का फायरबॉल है, तभी आप लोग इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है ये। मतलब अगर आप लोग टाउन हॉल 11 पे हो और आपके पास लेवल 15 का है फायरबॉल, तब यूज करना। 12 13 पे हो, लेवल 18 का फायरबॉल है, तब यूज करना फायरबॉल को। और 16 पे हो और आपके पास लेवल 27 का फायरबॉल है, तभी इस्तेमाल करना, तभी मैक्सिमम रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ये तो भैया स्टैट्स की बात हो गई, अभी क्या क्या मिलेगा भाई जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फायरबॉल को, ये देखो। तो आप लोगों को टाउन हॉल 11 के ऊपर फायरबॉल प्लस अर्थक्वेक स्पेल इस्तेमाल करोगे तो वो जो 5 टाइल के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स है उसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आप लोग डाउन कर पाओगे। लेकिन अगर उसमें ईगल आर्टिलरी रहेगा तो वो नहीं मिल पाएगा, थोड़ी बहुत हेल्थ ईगल की बच जाएगी। अगर वो ईगल भी आप लोगों को डाउन करना है तो उसके लिए एक और अर्थक्वेक ले लो या फिर एक लाइटनिंग ले लो। टाउन हॉल आप लोगों को इसके अंदर नहीं मिलेगा। सेम चीज टाउन हॉल 12 के लिए भी है। टाउन हॉल 12 पे आपका लेवल 18 का फायरबॉल हो जाता है। अगर लेवल 18 का फायरबॉल प्लस 1 अर्थक्वेक स्पेल आप लोग इस्तेमाल करोगे तो 6 टाइल एरिया के अंदर जितने भी डिफेंसेस या फिर बिल्डिंग्स रहेंगे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके अंदर टाउन हॉल और ईगल आर्टिलरी रहेगा वो 6 टाइल्स के अंदर। तो ईगल की थोड़ी सी बच जाएगी पर ईगल नहीं मिलेगा। ईगल अगर लेना है तो 2 अर्थक्वेक आप लोगों को लेने पड़ेंगे या फिर एक एक्स्ट्रा लाइटनिंग स्पेल लेना पड़ेगा। टाउन हॉल 11 और 12 के ऊपर फायरबॉल प्लस अर्थक्वेक के साथ आपको सीसी भी मिल जाएगी। मतलब सीसी अगर फायरबॉल के रडार में है तो भाई साहब अर्थक्वेक और फायरबॉल की मदद से आप लोग सीसी को भी डाउन कर सकते हो बिना सीसी ल्यूर करे। पर भाई साहब टाउन हॉल 13 और 14 के ऊपर ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सीसी आपको नहीं मिलेगी। टाउन हॉल 13 के ऊपर लेवल 18 का ही फायरबॉल आपको मिलता है। लेवल 18 का फायरबॉल और एक अर्थक्वेक अगर आप लोग यूज करोगे सारी बिल्डिंग से आप लोग मिल जाएगी। टाउन हॉल नहीं मिलेगा, उसमें ईगल आर्टिलरी नहीं मिल पाएगा और सीसी नहीं मिल पाएगी। सेम चीज टाउन हॉल 14 के लिए भी है। सीसी की हेल्थ ना थोड़ी सी कम बच जाती है तो उसके लिए आप लोगों को 2 अर्थक्वेक्स लेने पड़ेंगे सीसी अगर डाउन करनी है टाउन हॉल 13 और 14 के ऊपर। तो टाउन हॉल 15 और 16 के ऊपर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा टाउन हॉल और ईगल को छोड़ के, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो डिफेंसेस है ना उनका जो हिट पॉइंट है वो कम है। प्लस अर्थ को एक्सपेल की मदद से हम लोग 29% हेल्थ उन डिफेंसेस की कम कर सकते हैं। तो वो सारे डिफेंसेस, सारे बिल्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगे टाउन हॉल 15 और 16 के ऊपर। ईगल नहीं मिल पाएगा और टाउन हॉल नहीं मिल पाएगा, सीसी मिल जाएगा 15 के ऊपर भी और 16 के ऊपर भी। चलो भाई सुमित, ठीक है ये सारी बातें तो चलो समझ आ गई। लेकिन भाई फायरबॉल के साथ वार्डन के ऊपर दूसरा इक्विपमेंट कौन सा यूज करे? इटर्नल टॉम यूज करे, हील टॉम यूज करे या फिर रेड जेम इस्तेमाल करे? देखो भाई वार्डन के ऊपर जब आप लोग डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज इस्तेमाल करोगे तब आप लोग डिफरेंट डिफरेंट आपके आर्मी के हिसाब से आप लोग चूज करोगे कौन सा हीरो इक्विपमेंट बेस्ट है आपके लिए। लेकिन भाई साहब आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करने वाले जिसके अंदर भाई रेज जेम हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फायरबॉल इस्तेमाल करेंगे, ना कि इटर्नल टोम। इटर्नल टोम को हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। और बिलीव मी भाई, बिना इटर्नल टोम के भी ये स्ट्रेटजी इतनी डेडली कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट लेवल। और इस स्ट्रेटजी के अंदर ना भाई साहब सबसे बेस्ट सीज मशीन है सीज बैरक, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पिकास मिल जाएंगे फ्री के और 11 विजर्ड्स मिल जाएंगे। और वार्डन के ऊपर देखो फायरबॉल मैक्स लेवल का और उसी के साथ रेड जेम हम लोगों ने इस्तेमाल करा, ये रहने वाली हमारी आर्मी। इस आर्मी के अंदर बेसिकली करना क्या होता है पता है? जहां पे भी हम लोगों को डिप्लॉय करना है हमारा फायरबॉल वहां तक हम लोगों को वार्डन वॉक के साथ फनल बना के क्लीन अप करके
बेट करना है, और जैसे ही वो डिफेंस को टारगेट करेगा या फिर वो डिफेंस नियर आएगा वार्डन के, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वार्डन का फायरबॉल और अर्थक्वेक स्पेल, जिससे कि वो पूरा एरिया हमको मिल सके। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं करके दिखाता हूँ इस बेस के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे हैवी कंपार्टमेंट कहाँ है, नजर आ रहा है आपको ईगल वाला? देखो वहां पे अगर हम लोग फायरबॉल और अर्थक्वेक डालेंगे तो क्या तबाही होगी, आप लोग जस्ट इमेजिन करो। अभी हम लोग वही चीज करने वाले। देखो भाई, स्टार्टिंग में बुड्ढे को उतारेंगे और सारी की सारी हिलर्स। यहाँ पे अपने पास कोई भी इटर्नल टोम नहीं है, इटर्नल टोम की जरूरत है नहीं स्ट्रेटजी के अंदर। देखो भाई, अभी वेट करेंगे, जैसे ही हमारा वार्डन ये रिकोशे कैनन के पास टारगेट करेगा या फिर सबसे नियरेस्ट डिफेंस रहेगा वो, तब हम लोग फायरबॉल इस्तेमाल करेंगे और अर्थक्वेक स्पेल भी इस्तेमाल करेंगे। और अभी स्टार्टिंग में फिलहाल यहाँ पे अर्थक्वेक डाल के 1 2 3 4 1 2 ये मोनो को डाउन करते हैं, क्योंकि मोनो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे ये डाल के बुड्ढे की एबिलिटी ऑन बोम, ये देख लो भाई साहब क्या ही तगड़ी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है। अब देखो बुड्ढा यहाँ पे जा रहा है, तो सारे रूट राइडर्स ऐसे डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये भी डाल दो, और क्वीन डाल दो। और रही बात किंग की, तो किंग आएगा बेस के बाहर, और बेस के बाहर ही रहेगा ये फिलहाल, और पूरी आर्मी आपकी रहेगी अंदर। सीज बैरक के जो पेक्काज है वो भी मेन आर्मी के साथ ही जाएंगे, और जो हिलर्स है वो रेड जेम के अंदर बहुत पावरफुल काम करते हैं। और बार्बेरियन किंग आपका बेस के बाहर रहेगा, सीसी बाहर निकलने के बाद सिंपली पॉइजन स्पेल आ जाएगा आपका सीसी के ऊपर। बार्बेरियन किंग के लिए यहाँ पे वॉल ब्रेक आएगा। देखो भाई साहब, अभी इटर्नल टॉम यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे फ्रिज स्पेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज भी अपने पास, एक तो बुड्ढा आपका जिंदा बच जाता है इसके अंदर, जिंदा बचने के बाद भाई वो रेज जेम के अंदर भाई इतने तगड़े काम करती है सारी की सारी हिलर्स, एक नंबर नेक्स्ट लेवल। रॉयल चैंपियन भी आपको बचा के रखनी है, रेड स्पेल जो बचा हुआ है आपके पास वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे क्वीन के ऊपर किंग की एबिलिटी दे दो, रॉयल चैंपियन भी हमारे पास बच चुकी है, तो यहाँ पे पीछे की साइड पे क्लीन अप के लिए सुपर बार्बेरियंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रॉयल चैंपियन बची है तो इसको डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं रॉयल चैंपियन को, उसके बाद यहाँ पे ये डाल देंगे। ख़त्म हो गया दोस्तों बेस, बेस के अंदर ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। और रॉयल चैंपियन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे हॉग पपेट और रॉयल जेम इस्तेमाल करा है, क्योंकि भाई हॉग राइडर्स फ्री में मिल जाएंगे 9 हम लोगों को मैक्स लेवल के, अगर मैक्स लेवल का हॉग पपेट आपके पास है तो। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सारी आर्मी बची है, हीरोज़ की एबिलिटी भी बच चुकी है, इजी पीजी तरीके से हो जाता है। किंग आपका कहीं और चला जाएगा, मेन आर्मी आपकी कोर में रहेगी, सारी की सारी हिलर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी आपकी मेन आर्मी के ऊपर। ये लो रॉयल चैंपियन और क्वीन दोनों की एबिलिटी दबा देता हूँ, बेस खत्म हो जाएगा, एक क्लीन अप के लिए डाल देता हूँ। काफी सिंपल, क्योंकि भाई देखो वार्डन ही है जो आपका बहुत तगड़ी वैल्यू निकाल के देने वाला है आपको, और फनल भी बना के देगा आपको, लाइटनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लाइटनिंग है वो कहीं और इस्तेमाल कर पाएंगे हम लोग जहाँ पे एक्स्ट्रा डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल मोनोलिथ या फिर कहीं और जगह पे। अभी देखो दोस्तों, इस वाले बेस के ऊपर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेम स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या करेंगे ना, बुड्ढे के साथ यहाँ पे वॉक चालू करेंगे ना हम लोग, और बुड्ढा हमारा यहाँ तक आएगा तो अर्थक्वेक डाल के ये पूरा एरिया अपने को मिल जाएगा बुड्ढे के फायरबॉल के साथ, और किंग चलेगा बाहर से, ये पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा, ये पूरा एरिया। फिर ईगल से पूरी आर्मी अपनी घुसेगी टाउन हॉल में, घुसेगा बार्बेरियन किंग आपका जायंट गॉन्टलेट के साथ, सिंपल। देखो भाई, सेम आर्मी रहेगी, दो अर्थक्वेक लेने ही है, क्योंकि पहला तो जैप करोगे आप कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, बुढ़ाओ को उतार के सारी की सारी हिलर्स उतार देते हैं, यहाँ पे सुपर बार्बेरियन डाल देते हैं, यहाँ पे भी एक डाल देते हैं। चलो तो इससे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी ये डिफेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, हेड हंटर भी है अपने पास। देखो भाई, बुड्ढा अपनी हेल्थ रिगेन कर रहा है रेज के अंदर बहुत तेज़ी से, 50% एक्स्ट्रा रेज करने का काम कर देता है। यहाँ पे अभी हम लोग डाउन करेंगे इसको, अर्थक्वेक 1 2 3 1 2 3। चलो ये मिल गया, अभी एक और अर्थक्वेक जो बचा है वो बचा के रखना है अपने को। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सुपर बार्बेरियन। देखो भाई, बुड्ढा हमारा यहाँ से निकालने का काम कर रहा है, और साइड में फनल भी बन चुका है, नियरेस्ट डिफेंस को टारगेट करता है फायरबॉल, तो वेट करना है अपने को नियरेस्ट डिफेंस के लिए। ओके, वेरी नाइस, ये भी डाउन होने दो, उसके बाद नियरेस्ट डिफेंस बचेगा अपने पास ये, क्या नाम है इसका, मल्टी आर्चर टावर। तो हम लोग ना यहाँ पे अर्थक्वेक डाल के ये डाल देते हैं, बूम भाई साहब, उसके बाद ये डाल के ये डाल देंगे, ये सब कुछ डालेंगे ऐसे भाई साहब।
रखे, एक हेड हंटर पे डालेंगे और किंग यहाँ पे डाल देंगे जो कि जाएगा टाउन हॉल के अंदर। यहाँ पे ये दो डाल देंगे जिससे ये फनल बन जाएगा यहाँ पे। अभी देखो ये जो आर्मी है रेज के अंदर पूरे बेस को क्लीन अप, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा क्लीन अप है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक और हेड हंटर डाल देते हैं एनिमी रॉयल चैंपियन के लिए। सीसी आएगी, सीसी के लिए पॉइजन है ही अपने पास, पॉइजन आ जाएगा। यहाँ पे इटर्नल टॉम तो है नहीं तो हम लोग यहाँ पे फ्रीज इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, और रॉयल चैंपियन को भी यहाँ से डाल देते हैं और किंग की एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रॉयल चैंपियन टाउन हॉल पे जाएगी, रेज है, फ्रीज है, इनविजिबिलिटी स्पेल है। ये देखो यहाँ पे क्लीनअप के लिए भी हमारे पास ट्रूप्स बच चुके हैं। खैर आर्मी के अंदर ज़्यादा बदलाव हम लोगों ने बिल्कुल करे नहीं है। ये पेकाज भी जिंदा है दोनों के दोनों, रूट राइडर्स भी जिंदा है। तो अभी सिंपली एक काम कर सकते हैं टाउन हॉल वाले सेक्शन के लिए, रॉयल चैंपियन के ऊपर ऐसे रेज लगा के अपन लगा सकते हैं फ्रीज टाउन हॉल के ऊपर, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा टाउन हॉल। और आर्मी भी देखो भाई साहब कितनी बच चुकी है अपने पास, ये सब कुछ ऐसे डाल देंगे क्लीनअप के लिए। देखो भाई आर्मी कितनी सारी आर्मी बची है, इटर्नल टोम की जरूरत है ही नहीं भाई साहब, लिटरली नहीं है इटर्नल टोम की जरूरत, कितनी आर्मी बची है देखो, मजा आ गया भाई साहब। ये दो वॉल ब्रेकर्स भी बचे, इनको भी डाल देते हैं ऐसे, और ये भी डाल देते हैं क्वीन की एबिलिटी, और बेस खत्म। ये है भाई साहब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे फायर बॉल का। अभी देखो हमारे सामने ये बेस है, यहाँ पे भी भाई बहुत तगड़ी वैल्यू मिल सकती है हमारे वार्डन के फायर बॉल के साथ। देखो यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर हम लोग फायरबॉल इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी खासी वैल्यू प्लस फनल बन जाएगा काफी अच्छा खासा हमारे ट्रूप्स के लिए। और रही बात टाउन हॉल की, तो टाउन हॉल में जाएगा भाई अपना बार्बेरियन किंग, सिंपल देखो चालू करेंगे। और हाँ इस आर्मी के अंदर भाई यूज करना है आपको सीज बैरक, दो पेकर्स फ्री फंड के मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में चालू करेंगे भाई बुड्ढे के साथ वॉक, उसके बाद जैप करना है अपने को ये एरिया मोनोलिथ को। ओके चलो दोस्तों ये एरिया हम लोगों ने जैप कर दिया, एक क्विक अभी भी बचा है। क्विक कहाँ पे आएगा, नियरेस्ट डिफेंस जब बाजू में आएगा तब हम लोगों को यूज़ कर लेना है। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे हमारे बार्बेरियन किंग को यूज़ करना है जिससे कि किंग हमारा टाउन हॉल में जाके तबाही मचा सके भाई साहब। चलो 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 यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, नीचे अपना बुढ़ा काम कर ही रहा है, यहाँ पे डाल देंगे ये, वेरी नाइस। देखो टाउन हॉल के कंपार्टमेंट के अंदर एक बार किंग चला गया इसका मतलब है कि टाउन हॉल मिलने ही वाला है। तो जैसे ही अभी ये डाउन होएगा उसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर थोड़ा वेट करेंगे। चलो किंग की एबिलिटी टाउन हॉल यहाँ से मिल जाएगा, पॉइजन आ जाएगा सीसी ट्रूप्स के ऊपर। चलो टाउन हॉल मिल गया, कम ऑन बुढ़ाओ, नाइस गोइंग। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए मेरा बुढ़ा तो मजा आ जाएगा। इनविजिबिलिटी स्पेल डालूंगा यहाँ पे, अब ये डाल के ये डालूंगा जे बात, उसके बाद यहाँ पे ये डाल के चालू हो जाएगी अपनी पूरी की पूरी आर्मी इधर से। ओके फनल हम लोग ऐसे साइड में बनाएंगे सुपर बार्बेरियंस के साथ ऐसे, ठीक है। उसके बाद अपने पास रॉयल चैंपियन बची है जिसको हम लोगों को होल्ड रखना है। हम लोगों ने यार यहाँ पे बलून्स भी लिए नहीं है हमारी हिलर्स के लिए, एक दो बलून ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा, वरना ऐसी हिलर मरेगी जैसी अभी मेरी मर गई। देखो भाई यहाँ पे इटर्नल टोम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा इटर्नल टोम, तो बिना इटर्नल टोम के ही अटैक करना है भाई साहब आपको, तो फ्री स्पेल्स लगाने पड़ेंगे आपको अच्छे से ऐसे। हेड हंटर भी डालने पड़ेंगे रॉयल चैंपियन को, यहाँ से लगा देते हैं ठीक है। उसके बाद वॉल ब्रेकर है तो वॉल ब्रेकर भी लगा देंगे भाई साहब ऐसे। ओके चलो वॉल ब्रेक हो गया, वेरी नाइस। के बाद यहाँ पे एक रेज लगा डालेंगे, यहाँ पे क्लीन अप के लिए ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये डाल देंगे। ओके इसके बाद फ्रीज बचा तो है अपने पास, यहाँ पे ये डाल के रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची हुई है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी मार दूंगा और ये बेस ख़त्म हो जाएगा इधर ही। लो भाई साहब ख़त्म हो गया बेस, क्वीन की एबिलिटी भी इस्तेमाल करेंगे। ये पेकाज मरते नहीं है, जब आप लोग यार ये जो सीज बैरक के पेकाज को मेन आर्मी के ऊपर इस्तेमाल करते हो बहुत ओपी तरीके से काम करते हैं भाई पेकाज। लो भाई अगेन ये वाला बेस भी नहीं पड़ गया, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है हर टाउन हॉल के लिए, लेकिन तभी पावरफुल है जब आपके पास मैक्स लेवल का फायर बॉल है उस टाउन हॉल के लिए। इस तरीके से भाई हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वार्डन वॉक के अंदर फायर बॉल को, चाहे तो आप लोग मेन आर्मी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
क्वीन चार्ज रूट राइडर या फिर स्पैम रूट राइडर हो गया, लावा लून हो गया, जो भी आप लोग एयर स्पैम छोड़ के जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना नॉर्मल आर्मी उसके अंदर इस्तेमाल कर लो। कोर में जाके जहाँ पे भी गिरेगा चलो छः टाइल के अंदर जो भी बिल्डिंग्स रहेंगे एटलीस्ट वो तो मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, पर इस तरीके के अंदर ना एक फॉल्ट है, वो ये कि भाई कोर में जाने के बाद ना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बॉल जाके फायर बॉल जाके इस डिफेंस के ऊपर गिरेगा, तो वो ना अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो जाती है कि हो सकता है कि वो ना गिरे उस बिल्डिंग के ऊपर क्योंकि बहुत सारे नियरेस्ट डिफेंसेस रहेंगे, तो ये प्रिडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कोर में जाने के बाद कहाँ पे जाके गिरेगा आपका वार्डन का फायरबॉल। वार्डन वॉक के अंदर हम लोग जिस बिल्डिंग के ऊपर चाहे उस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग वहां तक का क्लीन अप करके वार्डन के साथ डाउन करके फिर वहां पे हम लोग टेक डाउन कर सकते हैं फायरबॉल के साथ वो सारा एरिया, क्योंकि यहाँ पे चीजें अपने हाथ में है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा यहाँ पे वार्डन वॉक में आपका, बाकी सारी चीजें पावरफुल है। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो ड्रॉबैक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट 50 सेकंड 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम लेगा ट्रिपल होने के लिए। तो ये थी गाइज आज की हमारी फायरबॉल की इन डेप्थ स्ट्रेटजी वीडियो। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।